जो अपने देश को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी खो गए। 26 जुलाई ये महज एक तारीख नहीं है बल्कि यह दिन है याद दिलाने के लिए कि देश के स्वाभिमान की रक्षा में कुर्बानी क्या होती है। यह दिन है उन तमाम रणबांकुरों के आगे नतमस्तक हो जाने का जो खुद को वर्दी में बांध कर देश की आन देश को आजाद फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह दिन है याद करने का उन वीर जवानों को, उन्हें नमन करने का जो सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए अग्रसर होते हैं, वतन देश हिंदुस्तान हमारा, इंडिया हमारा भारत। नमस्ते, मैं हूँ अभिनय आकाश और सभा सख्ती के साथ कार्यक्रम MRI में आपका स्वागत है। विजय दिवस के अवसर पर आज हम दिल्ली के इंडिया गेट से मौजूद हैं MRI के खास विश्लेषण के साथ। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आज हम बात करेंगे 21 साल पुराने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी के बारे में, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से शौरा हो जाएगा। बहादुरी की वो मिसाल जो पाकिस्तान को आज भी शूल की तरह चुभती है। 21 साल पहले पाकिस्तान की छल और धोखे के जवाब में भारतीय सेना ने उसे ऐसा घाव दिया जिसकी जीत आज भी उसके जेहन में जिंदा है। 21 साल पहले 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैन्य इतिहास का वो महान पन्ना जिसमें भारतीय सेना ने असंभव को संभव करके दिखाया। 1971 की जंग के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हर जंग की शुरुआत छलावे से हुई, चाहे वो आजादी के बाद कश्मीर हड़पने की साजिश हो या 1965 में स्थानीय बगावत छेड़ने की कोशिश। लेकिन दोनों देशों की बदलती हुकूमतों के बीच बहुत कुछ बदल रहा था। बदलती सियासी फिजाओं के साथ विश्व में भारत का रुतबा भी बढ़ता जा रहा था। 11 मई 1998 को भारत में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था, जिसके बाद ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। लेकिन 1978 से कोशिश में लगे पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा नजर आने लगा। उसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान ने भी चगई में परमाणु परीक्षण कर डाला। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय का एक निर्णायक लम्हा था फरवरी 1999 में उनकी लाहौर बस यात्रा। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning. यह ऐसा फैसला था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में अमूलचूक बदलाव लाने की संभावना से बावस्ता था। तपे तपाए सियासतदान वाजपेयी में इसे समझने की चतुराई भी थी और हर चीज में बुरा देखने वालों को कायल करने की बहादुरी भी। 20-21 फरवरी की तारीखें निकल गई और तैयारियां जल्दी ही हिंदुस्तानी बारात की तरह दिखाई देने लगी। बस में यात्रा पर साथ जाने वाले आमंत्रित लोगों में देवानंद, कपिल देव, कुलदीप नैयर, जावेद अख्तर, सतीश गुजराल, शत्रुघ्न सिन्हा और मल्लिका साराभाई थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बस से लाहौर गए थे, तब अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाकर अपनी प्रिय छवि की छाप छोड़ी। तब द्विपक्षीय संबंधों में जो आज जगी थी वो महज कुछ समय के लिए थी। ये सैन्य परंपरा रही है कि जब ठंड के मौसम में पहाड़ी चोटियां बर्फ तोड़ लेती है तो भारत और पाकिस्तान की फौज ऊंचाई की पोस्ट तोड़ देती है, फिर दोबारा मौसम बदलने पर भी दोबारा अपने पोस्ट पर तैनात होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थान पर मौजूद LOC को छोड़ कम बर्फीले वाले स्थान पर चली जाएंगी।
लेकिन सर्दियों में ऐसी जगहों पर तापमान माइनस डिग्री में चले जाने के कारण दोनों देशों की सेनाएं को काफी मुश्किलें होती थी। यूं तो हर साल बर्फ पिघलने के वक्त सैनिकों की तैनाती से पहले घुसपैठ की कोशिशें आम है, लेकिन 1999 में ये कोशिशें कुछ अलग थी। ताशी नामग्याल कारगिल के बाल्टी सेक्टर में अपने नए याक की तलाश कर रहे थे। वे पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर देख रहे थे कि उनका याक कहां खो गया। इसी दौरान कोशिश करते करते उन्हें अपना याक नजर आया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्हें जो नजर आया उसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और भारतीय सेना को तत्काल इस बारे में जानकारी दी। समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल में जिस घुसपैठ की बात कर रहे थे, वही आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई बनी। इसे एक कारगिल की लड़ाई कहा जाता है। कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे, पाकिस्तानी धोखे और भारतीय जवानों की बहादुरी की कहानी है ये लड़ाई। भारतीय सेना द्वारा अपनी पोस्टों पर गई तो पता चला कि पाकिस्तान सेना की तीन इन्फ्रंट ब्रिगेड कारगिल की करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। हमारे दुश्मन पाकिस्तान की सेना जो कारगिल हाईवे जो कि श्रीनगर से लेके ले तक जाती है, उसके लॉन्ग ऊंची पहाड़ी की चोटियों पर आकर बैठ गए थे और हाईवे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय वहां पर गन्स को और ट्रूप्स को मूव करना पड़ता था। शुरू में काफी क्षति हुई क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं वो, हमारे सैनिकों को टास्क था नीचे से ऊपर चढ़ के उन पोस्टों पर कब्जा करने का। वो ऊपर से चुन चुन के निशाना ले सकते थे, आर्टिलरी की फायरिंग ला सकते थे। पाकिस्तान ने डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक करीब 150 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा था। भारतीय सेना को 4 मई 1999 को पाकिस्तान की हरकत के बारे में पता चला था, जिसके बाद जब 5 जवानों का गश्ती दल वहां पहुंचा तो घुसपैठियों ने उन्हें भयंकर यातनाएं देकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी थी और भारत को उनके शत विक्षत शव सौंपे थे। चौदह मई 1999 को भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौजूदगी के बाबत खबर मिलने के बाद अपनी टुकड़ी को लेकर पेट्रोलिंग पर निकल गए। कैप्टन सौरभ कालिया जल्द ही अपने साथियों के साथ उस ठिकाने तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए मौजूद थे। यहां पर कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की संख्या महज 5 थी, जबकि घात लगाए बैठे दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उनकी और उनके साथियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुझे तो पता नहीं था कि वो कहां गए, लेकिन मेरे से उसने बात फोन पे ये कही थी कि मामा मैं कहीं आगे जा रहा हूँ। एक बजे जो मैं एक खास बात मैंने बचपन से देखी थी, जिस काम के पीछे लगते थे तो उसको पूरा करके छूटते थे। 25 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान देश को कारगिल में हुई घुसपैठ की जानकारी दी। ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी
ग्रेट विजय। 26 मई को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एवाई टिपनिस ने एयर स्ट्राइक के आदेश जारी कर दिए। भारतीय वायुसेना के जवानों की ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। इस बमबारी ने पूरे कारगिल को थर्रा दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को यह एहसास करा दिया कि वो भले ही ऊंचाई पर बैठे हों, लेकिन वायुसेना के गोलों से दूर नहीं। वायुसेना को यह जिम्मेदारी कारगिल में घुसपैठियों को भगाने और थल सेना की मदद के लिए सौंपी गई थी। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने मिग 27 विमान से द्रास की चोटियों की तरफ रवाना हुए, लेकिन ऊंची पहाड़ियों में बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों ने स्ट्रिंग मिसाइल से उनके विमान पर हमला कर दिया। मजबूरन फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पैराशूट से इजेक्ट होना पड़ा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस कवायद के बीच नियंत्रण रेखा के पार चले गए, जहां पाकिस्तानी सेना उन्हें बंधक बना लिया। 27 मई को ही भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल और पॉइंट 4590 पर जबरदस्त हमला किया। इसी बीच नीचे से भारतीय फौज की तोपों ने भी पहाड़ियों पर गोले बरसाना शुरू कर दिए। तोप से निकल रहे गोले की आड़ में अब भारतीय फौज के जवानों ने पहाड़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। बफोर्स रेजिमेंट, जिसका मैं टीआईसी था, सिक्किम में था, वहां से हमें इंडक्ट किया गया कारगिल के सेक्टर में। साथ में बहुत सारी आर्टिलरी को और भी वहां भेजा गया, इन्फेंट्री को भी इंडक्ट किया गया, और फिर आर्टिलरी की जोरदार फायरिंग से, जिसमें बफोर्स ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया, ऊंची पहाड़ियों पर, उन चोटियों पर दुश्मन के ऊपर जोरदार फायरिंग की गई। डायरेक्ट फायरिंग, हाई एंगल फायरिंग और डिफरेंट एम्यूनिशन के द्वारा फायरिंग, उनको काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। उन टारगेट्स को सैचुरेट किया गया और फिर इन्फेंट्री का रास्ता आसान हो सका जाके वहां पर उन कैप्चर, उन पोस्टों को जाके कैप्चर करने में। उसमें टूरिंग हाइट्स थी 0.5353 था, जुआर हाइट्स था और ऐसे करके टाइगर हिल्स का था। 3 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने 9 जून को बटालिक सेक्टर की 2 अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर के तिलोलिंग चोटी पर भी कब्जा कर लिया। 2 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोला और 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना की जावाजी के प्रतीक के तौर पर तिरंगा फहराने लगा। जो हमने जो पोस्ट कब्जे किए थे पाकिस्तान ने, उनको हमने वापस लिया और उनको पीछे जो है धकेला और खाली कराया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं 7 जुलाई को भारतीय सेना के बटालिक की जुबर हिल पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। भारतीय सेना के अदम्य साहस को देख अब तक पाकिस्तानी रेंजर के हाथ पांव फूल चुके थे। 11 जुलाई को भारतीय सेना के खौफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए देखा गया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। 26 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 3,000 से ज्यादा मोटार तोपें और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिन में हर रोज प्रति मिनट में एक राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। वहीं भारतीय वायुसेना के 60 दिन तक चले ऑपरेशन सफेद सागर में करीब 300 विमानों ने 6500 बार उड़ाने भरी। IAF के फाइटर जेट्स ने 1235 मिशन उड़ाने भरी और 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया। कारगिल के दुर्गम और ऊंची चोटियों पर भारतीय जवानों ने साहस और वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए, जबकि 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत कारगिल युद्ध में शहीद हुए अपने जवानों को आज भी श्रद्धांजलि देता है। तो आज हमने विजय दिवस के अवसर पर ये पूरा विश्लेषण किया। ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए प्रभाकर Here we go.
तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे।